गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल। मैं हूं निधि और मेरे चैनल पॉजिटिव आशा में आपका स्वागत है। वीडियो को पूरा देखिए और अच्छी लगे तो इसे एक लाइक जरूर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और वो छोटी सी घंटी है ना उसे दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिए। तभी तो मेरी आने वाली सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगी सबसे पहले। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर जरूर फॉलो करें @positiveasha पर। प्रोडक्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा। चलिए वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं मेरे साथ मेरे स्टाइल में। आज हम करने वाले हैं एक मैजिकल प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग रिव्यू विद फुल डेमो, जो मेरे हिसाब से हर एक किचन में होनी ही चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी यूजफुल है और काफ़ी हेल्पफुल है डे टू डे की कुकिंग नीड्स के लिए। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने पिजन की इस हैंडी चॉपर को चुना, जो कि एक्सेल साइज़ में है मेरी किचन के लिए। अब मैंने इसे एक्सेल साइज़ में ही क्यों चुना, ये मैं आगे आपके साथ वीडियो में डिस्कस करूँगी। जनरली ये तीन साइजेस में आती हैं, मिनी, लार्ज एंड एक्सेल। जैसा कि आप सभी को पता है, मैं अपने चैनल पर वो सारे प्रोडक्ट आपके साथ शेयर करती हूँ जो पर्सनली मैं यूज़ करती हूँ और मुझे काफ़ी पसंद है, ताकि वो आपके लिए भी यूज़फुल हो सकें। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हैंडी चॉपर यानी कि ये एक मैनुअल चॉपर है, तो इसे चलाने के लिए आपको किसी तरह की इलेक्ट्रिसिटी की कोई ज़रूरत नहीं है, इसे बस आपकी ज़रूरत है और ये आपके लिए एक बहुत बढ़िया हेल्पिंग हैंड साबित होने वाला है। पिजन हैंडी चॉपर एक्सेल एक इफ़िशेंट एंड ईजी मैकेनिज्म प्रोडक्ट है, आसानी से डिसमेंटल हो जाता है और ईजी क्लीनिंग होती है इसकी। सेफ लिड लॉक मिलता है हमें और स्टेनलेस स्टील ब्लेड मिलते हैं फॉर फाइन चॉपिंग के लिए। विस्कर हमें इसमें मिल जाती है किसी भी तरह की ब्लेंडिंग के लिए, और मेड विथ प्राइड इन इंडिया है, जो कि सबसे अच्छी बात है इस प्रोडक्ट की। तो जैसा कि मैंने बताया, इसमें तीन साइजेज आती हैं, मिनी, लार्ज एंड एक्सेल। तो ये एक्सेल है और इसकी कैपेसिटी है 900 ml। इस पिजन हैंडी चॉपर एक्सेल को मैंने ऑनलाइन अमेजोन से परचेज किया है, आप चाहें तो इसे अपने लोकल स्टोर से भी परचेज कर सकते हैं। आप इसमें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की कटिंग चॉपिंग बहुत आसानी से कर सकते हैं, एग बीट करना है तो वो भी कर सकते हैं, और अगर किसी तरह की ब्लेंडिंग करनी है तो उसे भी ईजिली कर सकते हैं। इसे यूज़ करना बहुत आसान है, कोई भी इसे आसानी से इस्तेमाल कर सकता है, और ये छोटू सा इजी टू यूज़ प्रोडक्ट काफ़ी हैंडी है, कॉम्पैक्ट है, यूज़फुल है, डिमांडिंग है, और मैं ये कह सकती हूँ कि आज की डेट में हर एक किचन की ज़रूरत है। अच्छा, यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं जिसे आप इसे यूज़ करने से पहले एक बार ज़रूर रीड कर लें। जैसे कि आपको चॉपिंग ब्लेड को केयरफुली बोल के सेंटर में प्लेस करना है। नेक्स्ट है, फ्रूट्स या वेजिटेबल को चॉप करने से पहले आप उसे छोटे टुकड़ों में कट करके ही बोल में प्लेस करें। उसके बाद कवर या लिड को बोल के ऊपर आप लगा दें। इसके बाद आप इसे एक हाथ से इसकी बॉडी को होल्ड करें और दूसरी हाथ से इसके हैंडल को खींचें, तब तक जब तक कि आपको डिज़ायर्ड रिजल्ट्स नहीं मिल जाते हैं। इसके बाद ब्लेड्स को केयरफुली बाहर निकाल लें, उसके बाद ही वेजीज को आप किसी दूसरी प्लेट में ट्रांसफ़र करें। और अब बढ़ते हैं इसकी प्राइस की तरफ। तो मैंने इसे ऑनलाइन अमेज़ॉन से परचेज़ किया है और इस हैंडी चॉपर एक्सेल की MRP है 745 रुपीज़, लेकिन ये मुझे 345 रुपीज़ में पड़ी है। तो इसकी प्राइस ऊपर नीचे होती रहती है, तो आप हमेशा एक अच्छे ऑफ़र का वेट करें और तभी इसे परचेज़ करें, और आप चाहें तो इसे अपने लोकल स्टोर से भी परचेज़ कर सकते हैं। और हमेशा परचेज़ करने के पहले प्राइस को आप एक बार कंपेयर ज़रूर कर लें, ताकि आपको एक अच्छी डील मिल सके। एक और बात, अगर प्रोडक्ट में कोई भी मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है तो कंपनी 30 डेज के अंदर उसे रिप्लेस कर देती है। अब इस प्रोडक्ट के बारे में तो हमने काफ़ी जान लिया, चलिए इसे ओपन करके देखते हैं कि क्या सचमुच ये एक मैजिकल प्रोडक्ट है, काफ़ी यूज़फुल है या बेकार है, आपको इसे परचेस करना चाहिए या नहीं। तो चलिए आइए देखते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, प्रोडक्ट काफ़ी क्यूट और स्मार्ट दिख रहा है। चलिए अब इसे कवर से बाहर निकाल लेती हूँ और बॉक्स को अब एक साइड में रख देती हूँ। तो देखिए, ये ग्रीन कलर का चॉपर है, काफ़ी मस्त लग रहा है, बढ़िया लग रहा है देखने में। और ये इसका लिड है और ये हैंडल है जिसे हमें पुल करना है, ऐसे खींचना है, छोड़ना है। ये हैंडी चॉपर फूड ग्रेड प्रीमियम क्वालिटी प्लास्टिक से बना हुआ है, जिसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है।
और चारों तरफ से ये कुछ इस तरीके से दिखता है। और ये एक टॉल चॉपर है तो इसमें काफी अच्छी क्वांटिटी में हम वेजीज चॉप कर सकते हैं। और ये इसका सेफ लॉक लिड है जिसमें लिड बहुत अच्छे से फिट हो जाता है। साथ ही इसमें हमें एंटी स्किड बॉटम मिलता है ताकि काम करते समय चॉपर बिल्कुल भी स्किड ना करे। तो आप यहाँ पर रबर की एक रिंग देख सकते हैं जिसकी वजह से काम करते समय चॉपर बिल्कुल अपनी जगह से हिलेगा नहीं। और इसकी लिड भी काफ़ी स्ट्रांग लग रही है, इस पर पिजन का लोगो भी बना हुआ है। और इसकी आउटर बॉडी भी काफ़ी स्मूथ है, काफ़ी कंफर्टेबल है, कहीं से कोई चुभने वाली बात नहीं है। और सबसे अच्छी बात है इसकी कैपेसिटी, 900 ml की इसकी कैपेसिटी है जो कि इसे एक टॉल चॉपर बनाती है, और ये इसका एक प्लस पॉइंट है, एडवांटेज है इसका। तो इसमें आप थोड़ी चॉपिंग भी कर सकते हैं, और अगर घर पे मेहमान आ गए हैं, आपको खाना ज़्यादा बनाना है, तो आप इसमें ज़्यादा चॉपिंग भी बड़े आराम से कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए इसके हैंडल की जो क्वालिटी है वो भी काफ़ी अच्छी है। और यहाँ पर ब्रास मेटल की एक रिंग देख सकते हैं आप, जो कि बहुत बढ़िया क्वालिटी की लग रही है। और इसकी पॉलिएस्टर रोप भी काफ़ी ड्यूरेबल दिख रही है, तो मुझे तो ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा लग रहा है। तो चलिए अब इसे ओपन करके इसके अंदर देखते हैं कि हमें क्या क्या अटैचमेंट मिलते हैं इसके साथ। तो ये देखिए पहला अटैचमेंट है जो कि विस्कर है, तो आप इसे किसी भी तरह की ब्लेंडिंग कर सकते हैं, एग बीट कर सकते हैं, लस्सी बना सकते हैं, पकौड़ों के लिए बैटर तैयार कर सकते हैं। और जो दूसरा हमारा अटैचमेंट है वो मेन कटिंग चॉपिंग के लिए यूज़ किया जाता है। इसमें 5 ब्लेड आपको मिल जाएंगे जो डिफरेंट डिस्टेंस पे लगाए हुए हैं, जो कि फाइन चॉपिंग के लिए बेस्ट हैं। और यहाँ पर आप एक हुक के जैसे स्ट्रक्चर देख सकते हैं जिसके ऊपर ही हमने चॉपिंग ब्लेड को रखना है ताकि ब्लेड अच्छी तरह से लॉक हो जाए। और ये जो वाइट बटन आप देख रहे हैं ये भी एक लॉक है जो चॉपिंग ब्लेड के ऊपर जाकर फिक्स हो जाता है और लिड को प्रॉपरली लॉक कर देता है। और साइड में यहाँ पर जो ग्रूव्स दिख रहे हैं ये भी लॉक हैं जो कि लिड को अच्छी तरह से लॉक करने में हेल्प करते हैं। तो मुझे इसका ना लॉकिंग सिस्टम बहुत अच्छा लगा इस मैनुअल चॉपर का। तो बस इसे इस तरीके से प्रॉपरली फिक्स कर देना है और इसे थोड़ा सा रोटेट कर देना है ताकि ये अच्छी तरह से लॉक हो जाए, और इसके बाद ये रेडी है यूज़ करने के लिए। तो देखा ना कितना आसान है इसे यूज़ करना। और बिल्कुल ठीक इसी तरह हमें विस्कर ब्लेड को भी फिट करना है और इसे यूज़ करना है। आप इसे या तो एग बीट कर सकते हैं, या पकौड़ों के लिए बैटर फेंट सकते हैं, या कढ़ी के लिए घोल बना सकते हैं, उसे भी फेंटना होता है हमें, या तो लस्सी बना सकते हैं, कॉफ़ी फेंट सकते हैं, आप जो चाहें कर सकते हैं अपनी नीड के अकॉर्डिंगली। तो चलिए अब समय होता है डेमो के ज़रिए इसे चेक करने का कि इसकी परफॉर्मेंस कैसी है, ये कैसा काम करता है, आपको इसे लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, ये अच्छा है या बेकार है। और इसके लिए मैंने यहाँ पर पहले से ही काफ़ी सारी चीज़ें तैयार करके रखी हैं ताकि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें चॉप करके दिखा सकूँ और आपको एक ओवरऑल आइडिया मिल जाए कि ये प्रोडक्ट किस तरह से काम करता है और ये आपके लिए कितना यूज़फुल हो सकता है। चॉपर को मैंने यूज़ करने से पहले अच्छी तरह से सोप से क्लीन कर लिया है। तो सबसे पहले ब्लेड को चॉपर में फिक्स कर लेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें चॉप करेंगे लहसुन, जिसके छिलके मैंने पहले से उतार कर रखे हैं, और इसके लिड को लगा देंगे। और इसके बाद हमें हैंडल को बस खींचना है और छोड़ना है। तो चलिए अब देखते हैं लहसुन कैसे चॉप हुए हैं। अरे वाह, लहसुन तो बहुत बढ़िया फाइनली चॉप हुए हैं। और सबसे पहले हमने ब्लेड को बाहर निकालना है, उसके बाद सब्जियों को दूसरी प्लेट में ट्रांसफ़र करना है ताकि आपको कोई चोट न लगे और आपके हाथ सुरक्षित रहें। और आप देख सकते हैं इसकी चॉपिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है, हाथ से तो इतनी बढ़िया चॉपिंग बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो चलिए अब इसे एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। और नेक्स्ट है हमारे पास जिंजर, जिसे मैंने पहले से ही छील कर और कट करके रखा है। वैसे अदरक की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया है। तो आप इसमें ज़्यादा क्वांटिटी में भी वेजीज चॉप कर सकते हैं और कम क्वांटिटी में भी वेजीज चॉप कर सकते हैं, दोनों ही केसेस में रिज़ल्ट आपको बहुत अच्छे मिलने वाले हैं। तो यही रीज़न था कि मैंने इसे एक्सेल साइज में चुना, और वैसे भी मिनी और एक्सेल साइज़ के प्राइस में बहुत ज़्यादा का डिफरेंस नहीं था। और नेक्स्ट हम चॉप करने वाले हैं ग्रीन चिलीज। इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से हमें किसी भी सब्ज़ी को छोटे टुकड़ों में काट कर ही इसमें डालना है। और ये देखिए फाइनली चॉप्ड ग्रीन चिलीज, लाजवाब।
नेक्स्ट हम चॉप करने वाले हैं कैरेट, जिसे मैंने पीसेज में कट कर लिया है और ये काफ़ी हार्ड होती है, तो चलिए इसका रिज़ल्ट देखते हैं। अच्छा, चॉपर को हमेशा हाफ फिल करें, इसे ओवरलोड ना करें ताकि आपको बेस्ट रिजल्ट्स मिल सकें। वाओ, फाइनली चॉप्ड कैरेट। और अगर आपको थोड़े बड़े पीसेस चाहिए तो आप हैंडल को 2 से 3 बार ही पुल करें। तो आप देख सकते हैं कि स्टेनलेस स्टील से बने ये ब्लेड कितने शार्प हैं और कितनी स्मार्टली वेजीज की चॉपिंग कर रहे हैं। यहाँ पर मैंने 2 बिग साइज कैप्सिकम लिए हैं और आप देख सकते हैं कि चॉपर की कैपेसिटी भी बहुत अच्छी है और इसकी चॉपिंग भी बहुत अच्छी है। मैंने 4 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं और अब हम इसे कट करेंगे बिना आंखों में आंसू लाए हुए, और वो भी फाइनली चॉप्ड। और ये देखिए, कुछ ही सेकंड्स में हमने कितने बढ़िया अनियन चॉप कर लिए। नेक्स्ट मैंने 5 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं, इन्हें पीसेज में कट करेंगे और चॉप करते हैं। क्या बात है। अब चलिए बीन्स चॉप करते हैं, जो कि मंचूरियन या पराठा बनाते समय हमें इसकी काफ़ी ज़रूरत पड़ती है। चाइनीज़ डिशेज़ या पराठों के लिए पत्ता गोभी यानी कि कैबेज चॉप करना एक बड़ा टास्क है, जो ये चॉपर इजीली अचीव कर लेता है। अब सैलेड बनाने के लिए ये कैबेज चॉप करते हैं और ये देखिए, बेहतरीन रिजल्ट्स के साथ ये रेडी है। गोभी के पराठे किसे पसंद नहीं, तो चलिए अब इसे भी चॉप करते हैं और शानदार रिजल्ट्स के साथ ये भी रेडी है। और ये एक साथ बहुत बढ़िया क्वांटिटी में चॉपिंग कर पा रहा है। सैलेड या रायता बनाने के लिए अब कुकुम्बर चॉप करते हैं। देखिए कितना बारीक चॉप हुआ है। पालक के पराठे या थेपले बनाने के लिए आप कुछ ही सेकंड्स में पालक बहुत आसानी से चॉप कर सकते हैं। और अब नेक्स्ट चॉपिंग हम करेंगे बीटरूट की। कैरेट की तरह ही बीटरूट भी काफ़ी हार्ड वेजी है और इसे चॉप करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। क्या बात है। और अब चलिए धनिया पत्ता को चॉप करते हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं, बढ़िया रिजल्ट्स के साथ बारीक कटी हुई धनिया की पत्ती बिल्कुल रेडी है। अब नेक्स्ट मैंने थोड़े से काजू और अखरोट निकाल कर रखे हैं, तो इसे भी चॉप करके देखते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से चॉप हुआ है। और अब नेक्स्ट है हम सभी का फेवरेट आमरस, जी हाँ, केरी का रस। यहाँ पर मैंने एक बिग साइज मैंगो कट करके डाला है इसमें, और आप खुद देखिए कितना बढ़िया आमरस तैयार हुआ है। तो चलिए अब इस दूसरे अटैचमेंट को यूज़ करते हैं, जिससे कि आप ब्लेंडिंग के सारे काम कर सकते हैं, जैसे एग बीट कर सकते हैं, पकौड़ों के लिए बैटर तैयार कर सकते हैं, कढ़ी का घोल तैयार कर सकते हैं, बेसन के चीले बना सकते हैं, लस्सी बना सकते हैं, बहुत सारे काम कर सकते हैं। तो आप बेसन को बहुत कम समय में बहुत अच्छी तरह से फेंट सकते हैं और इसके बाद इसमें अपनी मनपसंद की सब्जियां मिलाकर आप बेसन के चीले बना सकते हैं, जो कि बहुत हेल्दी है, और आप इस चॉपर के साथ बहुत कम समय में इसे तैयार कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं इसकी क्लीनिंग की, तो वो भी बहुत आसान है, सुपर डुपर ईजी है इसे क्लीन करना। बस आपको इसे रनिंग टैप के नीचे रखकर इस तरह से वॉश कर लेना है और ये बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। तो देखिए ये कितनी आसानी से साफ़ हो गया। और अगर आप चाहते हैं इसे और अच्छी तरह से साफ़ करना, तो थोड़ा सा सोप और ब्रश से भी आप इसे क्लीन कर सकते हैं। आशा करती हूँ मेरी ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही हो। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो ये बहुत काम की चीज़ है, काफ़ी यूज़फुल है, कुकिंग में आपका बहुत सारा टाइम सेव करेगी और काफ़ी अफोर्डेबल है, और ये इतनी रीज़नेबल प्राइस पर मिल रही है, तो आप इसे डेफिनेटली ले सकते हैं। अगर आपको ये प्रोडक्ट पसंद आ रहा है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है और कमेंट बॉक्स में भी डाल दिया है, आप चेकआउट कर सकते हैं। और आप खुद ही देखिए ना, कितने कम समय में हमने कितनी ढेर सारी चीज़ें चॉप कर ली, कट कर ली, और डेफिनेटली डे टू डे की कुकिंग में आपका बहुत सारा टाइम सेव होने वाला है। वीडियो अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो इसे एक लाइक ज़रूर दें, चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, और वो जो छोटी सी घंटी है उसे ज़रूर दबाएँ, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे सबसे पहले। मैं आपसे मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, टेक केयर, बाय बाय।